What's up guys? एक बार फिर से आपका स्वागत है GTA 5 में। और यार अगर आपने हमारा लास्ट एपिसोड देखा है तो यार आपको पता ही होगा कि यार हम गए थे वो डेनियल के यहाँ। लॉस सैंटोस का यार एक बिजनेसमैन है डेनियल, जिसके यहाँ यार हम गए थे अपनी ओल्ड मर्सिडीज लेने। बट यार वो चपड़ गंजू ने यार हमको मना कर दिया, क्योंकि यार उसको ओल्ड कार का बहुत फैशन है। और यार उसने बताया कि उसकी जो वो मर्सिडीज कार है यार वो सिर्फ कंट्री में, आई मीन लॉस सैंटोस में सिर्फ दो है, एक उसके पास और एक और किसी और के पास है। तो यार वो हमें किसी भी हालत में वो मर्सिडीज कार नहीं देगा। तो यार ऐसा है कि यार उसने हमको डरा भी दिया और धमका भी दिया। हाँ यार डरा धमका के उसने हमको ये बोल दिया कि यार वो रिटायर्ड अंडरवर्ल्ड का डॉन रह चुका है, तो अगर यार हमने उसको धमकाने की कोशिश करी या जबरदस्ती करने की कोशिश करी तो वो हमारी गड्डी फाड़ देगा। तो यार भैया ऐसा है कि यार वो चड्डी वड्डी तो फाड़ेगा, इसलिए यार हम भग के निकले आए थे और यार हम भाग आए थे। बट यार अब एनीहाउ हमें वो कार चाहिए, क्योंकि यार हमारा लोंडा जो है मोटा डेव, यार उसने हमको बोला था कि वो कार उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भैया ऐसा है कि यार अब हमें वो कार चोरी करनी पड़ेगी। बट यार उस कार के साथ साथ ना मैं ये भी सोच रहा हूँ कि क्यों ना अभी रात होती है अभी, तो यार अभी ऐसा करते सो लेते। तो यार मैं ये सोच रहा हूँ कि उस मर्सिडीज कार के लगे लगे क्यों ना यार उसके और भी कार चुरा लें, क्योंकि यार देखो सिंपल सी बात, अगर हम इतनी मेहनत करेंगे तो यार कम से कम हमारा भी कुछ प्रॉफिट होना चाहिए, सिर्फ डेव का को यार। इसलिए हम सोच रहे हैं कि उसके घर में जितनी भी ओल्ड कार्स हैं जो मतलब जिनकी प्राइस बहुत है, उनमें से यार हम दो चार कार उड़ा लें, ताकि यार हमारा भी कुछ प्रॉफिट हो इतनी बड़ी चोरी करने के बाद, है ना। तो यार भी ऐसा नहीं कि यार फटाक से ना भी हम थोड़ा आराम कर लेते हैं और यार फिर उठ के हम चलते हैं लेस्टर के पास। क्यों? क्योंकि यार ये चीजें मैंने लेस्टर को बताई थी, तो यार लेस्टर ने बोला था कि उसको थोड़ा दिन का वक्त चाहिए, वो यार प्लान बना के रेडी रखेगा, उसके बाद यार उस प्लान के हिसाब से हम चोरी करेंगे। यार अभी ऐसा नहीं कि यार अभी हम फिलहाल सो लेते हैं और यार सुबह होने का वेट करते हैं। भैया अभी सुबह हो चुकी है और यार अब ऐसा नहीं कि यार सुबह वो तो हो चुकी है, अब नहाते धोते हम है नहीं, क्योंकि यार ठंडी का वक्त है। तो यार अभी ऐसा नहीं कि यार फटाक से चल के मैं जरा कपड़े पहन लेता हूँ और यार फटाक से चलते हैं यार लेस्टर के पास। तो यार अभी ऐसा नहीं कि हमको लेस्टर को कॉल करना है और यार उससे पूछना है कि हम उसको मिलेंगे कहाँ। तो यार अभी फिलहाल एक मिनट, हमने चश्मा नहीं लगाया, चश्मा लगाना बहुत जरूरी यार, धूल वूल बहुत ज्यादा उड़ती है। तो भैया धन्यवाद। तो यार अभी एकदम हम लग रहे पढ़े लिखे आदमी, तो यार अभी ऐसा नहीं कि फटाक चलते हैं और यार लेस्टर को पहले कॉल करके पूछते हैं कि वो कहाँ मिलेगा, क्योंकि उसने मना किया है कि हम उसके घर बार नहीं आए, क्योंकि यार देखो जब से हमने ज्वेलरी वाली हैश्ट करी है उसके बाद से यार डेव कह रही है कि उसके आसपास ना रहे, वो मिलेगा बट उसके घर पे नहीं। तो यार अभी ऐसा नहीं कि उसको हम कॉल करते हैं, और भाई मैं सो लिया ना, अभी भी सो लिया तो सुबह नहीं हुई, बट चलो कोई नहीं। तो यार अभी ऐसा करते हैं यार उसको फोन लगाते हैं, डेव को नहीं, लेस्टर को कॉल लगाते हैं और यार उससे पूछते हैं कि वो कहाँ मिलेगा हमें। यार हमारा लेस्टर, तो यार लेस्टर को कॉल करते हैं और उससे पूछते हैं। यार अभी इतने सुबह यार हमने उसको कॉल कर दिया, तो यार लेस्टर ने थोड़ी हमें माँ बहन टाइप के रिश्ते याद दिला दिया। बट यार उसने ये भी कहा कि वो हमें वहीं पे मिलेगा जहाँ वो पहले मिला था। हाँ यार वही अपनी सरली जगह अम्यूजमेंट पार्क में, यार पता नहीं सब वहाँ क्यों मिलना मिलते हैं यार, हमें आज तक नहीं समझ में आया। मतलब यार वो वाली जगह कैसी है ना कि वो जगह बहुत ज्यादा मतलब क्या है, भीड़ भड़ाका वाला इलाका है, तो यार वहाँ पे क्या अगर मिलेंगे चलेंगे ना तो किसी का ध्यान नहीं जाएगा। तो यार ये बात भी सही है। तो यार अभी ऐसा नहीं कि यार सुबह के कितने हो रहे हैं अभी, भाई सुबह के 5:11 हो रहे हैं। तो यार अभी ऐसा करते लेते हैं यार थोड़ा ना, अब हम सो के उठे चुके हैं, नहाए हुए हैं नहीं, हम कपड़े वपड़े पहन चुके थे। यार अभी एक चीज ऐसा करते हैं कि हमारे पास फिलहाल इस बंदे की कार थी, हम उससे ले आए थे अपने लॉस कस्टम वाले के पास से। यार अभी एक्शन करते हैं कि यार इसको बिना दे आते हैं वापस से, वो यार चाव की तरफ से नहीं यार गाड़ी ले आए थे, क्योंकि यार हमारे पास गाड़ी वाड़ी थी नहीं वहां से आने के लिए। तो यार अभी हमने उसके गैराज से गाड़ी उठा ली थी। तो यार एक्शन करते हैं कि फटाक से गैराज चलते हैं और यार उसको उसकी कार दे देते हैं, है ना, ताकि यार वो भी खुश रहे और हम भी खुश रहे। वैसे यार कुछ भी कहो भाई, ये लौटा कमाल का यार इसका, इसलिए हमने उसको कांटेक्ट कर लिया और यार वो हमारा दोस्त है, क्योंकि यार तो इसकी मोटिवेशन देख रहे हो खतरनाक है भाई। और मैं तो ये सोच रहा हूँ कि कार चुराने के बाद यार उनके जो चेंज करूंगा ना कार को, यार मॉडिफाई मैं इसी बंदे से करवाऊंगा, क्योंकि यार हम अगर चोरी करने के बाद सेम टू सेम कार रखेंगे तो यार हम पकड़े जाएंगे, है ना। तो यार अभी ऐसा नहीं कि फटाक से यार हम चल लेते हैं वहीं पे इसके गैराज पे और यार उसको ये गाड़ी उसकी वापस करते हैं, और यार फिर वहां से हम जाएंगे लेस्टर से मिलने, है ना। लेस्टर हमें बुलाया अम्यूजमेंट पार्क 8 बजे। तो अभी फटाक से पहुंच लेते हैं गैराज उसके, उसको ये गाड़ी पकड़ाते हैं और यार अम्यूजमेंट पार्क पहुंचते हैं। A few moments later. तो यार भैया अभी ऐसा नहीं कि यार अभी हम फिलहाल आ चुके हैं उसके गैराज के पास और यार फटाक से उसको ये गाड़ी देते हैं। अब यहाँ से यार हम कह रहे हैं कि हम टैक्सी से जाएंगे, क्योंकि यार उसको देखो यार सिंपल सी बात है, यार हम उसकी गाड़ी लेके आए हैं और भाई तुम ये देखिए कुछ भी कौन इसलिए हमने से थोड़ी बहुत। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो यार अभी हमने गाड़ी इसके यहाँ पे खड़ी करती है और यार फटाक से यहाँ से भाई निकलते हैं, उसको हमने फिलहाल इसने देख लिया और यार हमने इसकी गाड़ी लौटा दी है। तो यार अभी ऐसा नहीं कि यार फटाक से हम यार टैक्सी को बुला लेते हैं और यार टैक्सी से पहुंचते हैं और ऑलरेडी 6 बज चुका और यार हमें जाते जाते 8 तो बज जाएगा। तो यार अभी कैब वाले को फटाक से कॉल करते हैं और यार हम चलते सबसे पहले अम्यूजमेंट पार्क, ताकि यार लेस्टर से मिल सके। तो यार भैया गाड़ी हमको 100 पेज से चलता, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यार अभी हम वेट करते हैं कैब के आने का और जैसे ही टैक्सी आती है तो यार उसमें बैठ के फटाक से पल्टी मारते हैं, यहाँ से आ गई हमारी टैक्सी फिलहाल आई थी। और टैक्सी एक मिनट हो चाचा, एक सेकंड, यही है टैक्सी वाला। यार फटाक से चलते हैं अम्यूजमेंट पार्क पे और यार देखते हैं क्या है। तो भाई यार अम्यूजमेंट पार्क में ले चलो चाचा। हाँ भैया कहाँ है अम्यूजमेंट पार्क, अम्यूजमेंट अम्यूजमेंट अम्यूज
म्यूज म्यूज कहाँ चला गया महिंसी रंग, यार प्यार करम राइट स्वाइप पटाखे तो होने वाले, चल एकदम खतरनाक तरीके से, तो यार पटाखे यार अम्यूजमेंट पार्क पहुंचते हैं, यार लेस्टर से बात करते हैं, क्योंकि यार एक लेस्टर ही इतना होशियार आदमी है जो यार प्लान बना सकता चोरी का, इसलिए यार हमने उसको ये चीज बताई। पहले तो यार वो लंडा हमें मना कर रहा था, कह रही था कि वो प्लान वगैरह नहीं बनाएगा, क्योंकि यार ज्वेलरी शॉप के बाद यार वो किसी भी केस में भी फंसना नहीं चाहता, बट यार हमने किसी तरह उसके हाथ पर जोड़े और यार उसको थोड़ा अपना मक्खन पॉलिश लगाई थी और उसके बाद यार वो मान गया। तो यार उसने ये कहा है कि सिर्फ वो प्लान बना के देगा, उसमें वो कुछ भी नहीं करेगा, ना ही वो उसके लिए कुछ काम करेगा ना ही कुछ करेगा। तो यार सिंपल सी बात है, हमें सिर्फ प्लान चाहिए, बाकी तो यार फिर हम देख ही लेंगे, क्योंकि यार एक प्लान ही होती है जिससे यार हम मदद से हम चोरी अच्छे से कर सकते हैं। तो यार अभी ऐसा नहीं कि यार बकवास नहीं मारते और फटाक से पहुंचते हैं अम्यूजमेंट पार्क में और यार मिलते हैं लेस्टर से। तो यार भाई साहब ये ऐसे नहीं कि यार हमें कहीं से वाला छोड़ के भाग गया और भाई साहब यार पुलिस खड़ी है पता नहीं काहे के लिए खड़ी है यार सिंपल सी बात है यार पुलिस है कुछ काम है यूं का काम से खड़ी होगी तो यार अभी ऐसा है कि इसको खड़े रहने देते हैं पार्किंग लॉट पे चल के जरा देख ले तो हो सकता है लेस्टर यहाँ बैठा हो और यार ऑलरेडी ना टाइम देखा जाए तो 8 बज चुके हैं तो यार लेस्टर ना आ ही चुका हो तो यार अभी ऐसे भी फटाक से जरा लेस्टर को कॉल लगाते हैं और पूछते हैं क्या कैसा प्लान है। तो भैया कहाँ, हेलो लेस्टर भैया हम आ चुके हैं, कहाँ खड़े रहो, चाचा किसके साथ खड़े हो, तो यार हमें पहले इसको निकालना पड़ेगा, चलो भैया यहाँ से आप कल्टी मार लो वरना हम बहुत बुरा मारेंगे, धन्यवाद गए आप लोग यहाँ से कल्टी मारी। तो यार अभी फटाक से हम लेस्टर से बात करते हैं और यार देखते हैं कि आखिर इसने क्या प्लान बनाया है। तो यार अभी हमारी लेस्टर से बात हो चुकी है और यार लेस्टर ने भाई सब बहुत ही खतरनाक प्लान बनाया है, अरे अब ये भी हमारे साथ चलने के लिए चल रहा था, यार इसने यार बहुत ही ज्यादा खतरनाक प्लान बनाया। अभी यार तो प्लान क्या है यार तुम्हें बताते हैं, पहले यार हम जरा चल के ना कार में बैठ जाते हैं, यार यार ऐसा करते हैं यार तुम्हें प्लान बता ही देते हैं, भाई साहब थोड़ा जल्दी आ जाए यार इसकी तो टांग वांग टूटी पड़ी है, पता नहीं क्या हो रखा है, बोल रहा था सीढ़ी से गिर गया घर पे। यार अभी ऐसा करते हैं कि भाई तू आ रहा है ना, आ जा भाई आ जा, आराम से आ जा, कोई जल्दी तोड़ के आ रहा है, अरे लंगड़ाते यार आराम से आ जा मेरे चाचा, कोई जल्दी जल्दी नहीं है। तो यार अभी ऐसा नहीं कि यार इसने हमारे को बहुत ही तगड़ा प्लान बताया, तो यार अभी इसको जब हमने फिलहाल अभी हमने इसको ये नहीं बताया कि डैनियल यार अंडरवर्ल्ड डॉन हो रहा है चुका है, बट यार अभी हमने उसको सिंपल ये बताया कि यार डैनियल के पास हमारी कार है जिसको यार हमें चुराना है। तो यार इसने यार बहुत ज्यादा ही मस्त प्लान बताया और भाई साहब कहाँ रह गया, हेलो अबे यार ये लेस्टर भाई वो थोड़ा जल्दी आ जा चाचा, अरे वॉकिंग में निकले का जॉगिंग वॉकिंग पे निकला का, थोड़ा जल्दी आ जा भाई पक्के धन्यवाद। तो यार इसमें प्लान ऐसा कुछ होता है, ये बोल रहा है कि यार सबसे पहले हमें चाहिए 5 लोग, हाँ यार इसने बोला कि हमें सबसे पहले चाहिए 5 लोग और भाई साहब गाड़ी तो हमें फिलहाल ब्लैक वाली अच्छी लग रही है और वो वाली भी अच्छी लग रही है यार ये वाली कार ले लेते हैं। तो यार ये बता बोल रहा है इसने कि यार सबसे पहले हमें चाहिए 5 बंदे, उसके बाद हमें चाहिए 2 फायर ट्रक और उसके बाद चाहिए 5 फायर वो जो होते हैं फायर मेल फायर स्टेशन वाले उनके 5 यूनिफॉर्म। अब यार तुम्हें लग रहा होगा कि यार ये सब क्यों, तो यार अब तुम्हें एक प्लान खतरनाक वाला बताता हूँ। तो यार इसका प्लान कुछ ऐसा है, ये बोल रहा है कि यार हमें उसके घर में सबसे पहले जाके आग लगानी पड़ेगी और ऑफकोर्स ये बात है यार कि अगर हम उसके घर पे आग लगाएंगे तो यार वो फायर ब्रिगेड वालों को बुलाएगा कॉल करके। तो यार जब वो फायर ब्रिगेड वालों को कॉल करके बुलाएगा तो बीच रास्ते में हमें यार उनकी गाड़ी चेंज कर देनी है और यार खुद उसके घर पे जाना है और उसके बाद बाकी के बंदे जब तक उसका उसका मन बहला के रखेंगे उसका मन बहला के नहीं रखेंगे जब तक यार देखो सिंपल बात उसके घर में आ जाएगी तो यार सबके सब कंफ्यूज हो जाएंगे और यार सब आग की तरफ भागेंगे और किसी का भी ध्यान गाड़ियों पे नहीं रह जाएगा। तो यार इस पे क्या हो जाएगा कि हमें गाड़ी, अबे यार तुम लैग हो लो, नहीं नहीं तुम लैग हो ले, दुनिया भर का लैग हो रही है, दिमाग खराब। यार अभी हमने फिलहाल लेस्टर अंदर चला गया और यार पता नहीं भाई साहब इसने यहाँ पे घर ले लिया क्या कर लिया अब हमें नहीं पता। यार अभी इसने सबसे पहले हमें कहा है कि हम 5 लोगों को ढूंढ ले, तो यार 5 में से 3 तो हम ही लोगों को कहते हैं यार मैं हो गया फ्रैंकलिन हो गया और अब यार हमारा वो टकलू दोस्त जो है ट्रेवर, क्योंकि यार देखो मैं फ्रैंकलिन को किसी चीज में घसीटना नहीं चाहता बट यार एक फ्रैंकलिन ही है जिसको यार बढ़िया चोरी करने आती कारों के हिसाब से, तो यार वो एक लौंडा जो हमें बता सकता है कि भाई कौन सी कार हम चुराएं और कौन सी कार नहीं चुराएं, क्योंकि यार उसके यहाँ बहुत सारी ओल्ड कार है जिनमें यार कुछ कारें बहुत ज्यादा महंगी है और कुछ कार यार बहुत सस्ती भी हो सकती है, इसलिए यार फ्रैंकलिन को लेकर जा रहे थे। यार अभी हमारे साथ एक फ्रैंकलिन है ड्राइवर है और अपना एक मैं हो गया, ठीक है। तो यार अभी हमें 2 बंदे और चाहिए, तो यार अभी ऐसा करते हैं यार फटाक से अंदर फ्रैंकलिन को कॉल लगाते हैं और यार फ्रैंकलिन से मिलते हैं और यार फिर उसको सारा प्लान बताते हैं कि क्या कैसा है और फिर देखता है आगे वो क्या बोलता है। तो यार अभी सबसे पहले ना जरा हम गाड़ी रोक ले, वैसे ही बहुत ज्यादा लैग हो रहा है, तो यार अभी फ्रैंकलिन को कॉल करते हैं, भैया यार आप फ्रैंकलिन, तो यार उसको कॉल करते हैं और यार बुलाते हैं फटाक से। तो यार अभी हमारी फ्रैंकलिन से बात हो गई और यार सिंपल सी बात है यार फ्रैंकलिन कह रहा है कि वो पास वाले गोल्फ एरिया पे है, तो यार अच्छी बात है कि हम भी गोल्फ एरिया के पास ही है, तो यार उसने बोला है कि वो हमें गोल्फ एरिया में हम आकर उससे मिलने और यार उसको क्या कैसा है जो भी प्लान है उसको हम बता दें। तो यार फटाक से भाई एंट्री कहाँ पे है यार यहाँ की,
अरे आंटी आई थिंक पीछे से, सॉरी सॉरी, आप पीछे से जाना पड़ेगा। तो यार अभी ऐसा नहीं कि फटाक से चलते हैं, फ्रैंकलिन से मिलते हैं और यार फिर फ्रैंकलिन को सारा प्लान बताते हैं और यार फिर उस ट्रेवर को भी पकड़ेंगे। ड्राइवर को भी तो बतानी पड़ेगा ना प्लान। अरे मैडम जी सॉरी, देख के चला करिए ना, सॉरी सॉरी। तो यार अभी फटाक से पहुंच जाऊंगा गोल्फ पार्क और यार पता नहीं शायद अंदर वगैरह ना हो कहीं। तो यार अभी गाड़ी ना फटाक से, अरे भैया गाड़ी अभी हम पार्क में लगा देते हैं यहाँ पे और यार फ्रैंकलिन से चल के मिलते हैं। यार अभी अभी हमारी किस फ्रैंकलिन से बात हुई और यार फ्रैंकलिन ने कहा है कि वो पीछे आके हमें मिल जाए, पीछे वो बैठा है कुर्सी पे। तो यार अभी ऐसा नहीं कि फटाक से हम चल लेते हैं और यार उससे मिलके आते हैं और यार उसको पूरा प्लान समझाते हैं। तो भाई साहब फ्रैंकलिन वाओ यार, ये भैया गोल्फ वोल्फ खेलने का शौक तो मैं कब से चढ़ गया। तो यार अभी फिलहाल हाँ यार फ्रैंकलिन यार अभी बैठा है और यार फ्रैंकलिन आई थिंक खेल कूद गया, थक गया होगा इसलिए बैठा। तो यार अभी फटाक से यार इससे बात करते हैं और यार इसको पूरा प्लान समझाते हैं। तो यार सबसे पहले ना इसको प्लान हम यहाँ नहीं समझाएंगे क्योंकि यार ये एरिया ना थोड़ा सही नहीं लग रहा। इसको यार हम अपने घर ही ले चलते हैं, वहीं पर यार उसको ये प्लान समझाएंगे। तो यार अभी ऐसा रहे कि फ्रैंकलिन को हमने फिलहाल अभी सारी चीज थोड़ी बहुत बता दी है कि हमें एक मिशन करना है और यार वो भी मान चुका है क्योंकि यार सिंपल सी बात है यार वो भी बैठे बैठे बोर हो चुका था यार। तो वो भी बड़ा खुश है कि यार हमको मिशन करने को मिल रहा है। तो यार अभी फटाक से हम ना लेके चलते हैं इसको अपने घर और यार वहीं पे इसको मिशन बताते हैं। भाई थोड़ा जल्दी आ जाओ, चाहे चाहे घूमने फिरना तो ही ना आए हो एकदम टहलते टहलते यार। तो यार अभी ऐसा करता है कि फटाक से हम गाड़ी अपनी निकालते हैं और यार घर चलते हैं और घर में चल के यार उसको सारा प्लान बताते हैं। यार ऐसा करते हैं ना कि अगर हम निकले ही हैं तो क्या ना हम ट्रेवर को भी कॉल कराए नहीं क्योंकि यार ट्रेवर को जब तक नहीं बुलाएंगे तब तक जिंदगी हमारी सही नहीं होगी। तो भाई साहब हमारी ट्रेवर कहाँ है, ये रहा ट्रेवर। तो यार ट्रेवर को भी कॉल करके बुला लेते हैं और यार दोनों को एक साथ ही प्लान समझा देते हैं। यार अभी हमारी ट्रेवर से बात हो चुकी है और यार ट्रेवर बोल रहा है कि हम उसको वहाँ पे मिल जाए। कहाँ पे मिल जाए, वहीं पे जहाँ पे हमेशा रहता है ना सीढ़ी है भाई, उसको वो कह रहे हैं क्लब पे आके मिले। तो यार अभी एक्शन करता है कि फटाक से फ्रैंकलिन भाई बैठ जाए यार। अभी यार ये तो 2 सीटर कार है, वो कहाँ बैठेगा चाचा। कोई नहीं यार हम 3 सीटर कार किसी की पहन लेंगे उसमें क्या। तो यार अभी फटाक से यार चलते हैं क्लब हाउस और यार वहां से ट्रेवर को भी लेते हैं और यार दोनों को लेके हम चलते हैं अपने घर पे क्योंकि यार एक यही दोनों है महान आत्मा है जिनसे यार हम अपना काम करवा सकते हैं। तो भैया ऐसा नहीं कि फटाक से हम पहुंचते हैं और भाई क्या ट्रैफिक हो रखा है इधर। तो अंदर क्या यार अभी हम फिलहाल क्लब में क्लब के आसपास ही आ चुके हैं और यार फटाक से ट्रेवर को उठाते हैं और यार क्योंकि यार अभी तक हमें बहुत सारी चीजें इकट्ठी करनी है। जैसे यार हमें ट्रेवर ने लेस्टर ने बता दिया है कि यार हमें पहले 2 फायर ब्रिगेड के ट्रक चाहिए, उसके बाद यार हमें कुछ यूनिफॉर्म चाहिए क्योंकि यार देखो हम वहाँ पे अगर फायर ब्रिगेड वाले बन के जाएंगे तो सिंपल सी बात है यार कि हमें यूनिफॉर्म लगेगा ही लगेगा। और अब भाई साहब ये ट्रक खड़ा है ना तो मुझे 100% यकीन हो रहा है और लोग भाग क्यों रहा है मेरे को ये नहीं समझ रहा भाई, ट्रेवर की वजह से भाग रहे होंगे मुझे 100% यकीन है। तो यार अभी फटाक से हम अपनी गाड़ियां खड़ी कर लेते हैं और यार अंदर चल के देखते हैं ट्रेवर जहाँ भी है उसको गुटकी उसकी पकड़ के यार ले चलते हैं अपने साथ और यार फिर उसको भी अपना पूरा प्लान समझाता है। अभी फिलहाल हमने फ्रैंकलिन को भी प्लान नहीं बताया और यार फ्रैंकलिन भी हमसे पूछ रहा बार बार कि आखिर प्लान है तो है क्या, बट यार अभी हमने उसको फिलहाल प्लान नहीं बताया और यार गोली अंदर रख लेते हैं फालतू को बच्चे डर जाएंगे। यार अभी हम अंदर चलते हैं और यार ट्रेवर से बातचीत करते हैं। यार अभी फटाक से हम अंदर चलते हैं और भाई साहब ये हमेशा मेरे को यहीं पे क्यों मिलता है यार, ये इतना नशेड़ी है यार। फिलहाल तो यहीं देख लेते कहाँ पे, यहाँ तो नहीं है फिलहाल और वो रहा हमें दिख गया भाई यार इसकी गुटकी पकड़ता हूँ यार इसको यहाँ से लेके चलते हैं। मतलब यार जब देखो ये देखो यहीं पे खड़ा रहता देखता रहता है क्या मिलता है भाई तेरे को, वो देखो तालियां बजवा रहा है, ताली बजा रहा है, पकड़ो इंसान चल ले इधर से है इसको यार इससे बात करता है और इसको भी पकड़ के ले चलते हैं अपने साथ। यार अभी फिलहाल हमारी ड्राइवर से भी बात हो चुकी है और भाई साहब एकदम टिन हो पड़ा है, मतलब तुम देख रहे हो इसकी चाल से तुम्हें पता चल रहा होगा भाई साहब ने बहुत ज्यादा चढ़ा के रखी थी और अभी तो फिलहाल हमें पहचान भी नहीं रहा था, बट यार चलो अच्छी बात है कि हमारे को हमारे साथ आने के लिए तैयार हो गया। तो यार अभी हम फिलहाल तो इसको घर लेके चलते हैं और यार हमारे पास ना तो देखा जाए तो यार सिर्फ एक ही कार है यार और भाई साहब इसमें 2 सीट है। तो यार अभी बैठ के हम ज्यादा ट्राई करते हैं कि आखिर लोग बैठ पाएंगे कि नहीं बैठ पाएंगे। आई थिंक मेरे हिसाब से कि ड्राइवर भैया नहीं बैठ पाएंगे क्योंकि यार ड्राइवर भैया की हालत बहुत ज्यादा ही खराब है, आप लिए तो जगह बची नहीं। अरे यार हमें इसके लिए 3 गाड़ी लाना ही पड़ेगी भैया, चलो कुछ अरे 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 आराम से भैया, पैसे नहीं टुन पड़े थे अब और ही टुन हो गए। यार अभी फटाक से पकौड़े के लिए भी यार 3 व्हीलर ढूंढ लेते हैं क्योंकि यार 3 व्हीलर कह रहा हूँ, 4 व्हीलर मतलब 4 सीट वाली क्योंकि यार ये लंगड़ा के तो भगवानी जाने भगवानी मचाए और यार ट्रक में भी जगह नहीं होती, ट्रक में भी 2 ही सीट होती है। तो यार हमें किसी की ना गाड़ी पेलनी ही पड़ेगी, 4 सीटर हमें दिख गई, चलो अच्छी बात है हमें एक्सयूवी ही दिख गई। तो भाई साहब जरा अपनी आप गाड़ी सुतरेंगे, हमें थोड़ी देर के लिए आपकी गाड़ी चाहिए, वो बात अलग है कि आपको जिंदगी में आपको कभी गाड़ी नहीं मिलेगी बट यार आपको भी थोड़ी देर के लिए हमें गाड़ी देनी पड़ेगी। तो भाई साहब चाचा फ्रैंकलिन तुम तो आई थे फटाक से दौड़ के एकदम है ना, बाकी उनको आने अरे चलो वो भी अच्छी बात है। अरे 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 फिल अरे अरे बेटा तू तो गया, वे बेटा तू तो गया, कितने लोग तुझे पीटेंगे तेरे को पता भी है, कितने लोग पीटने वाले तुझे। अबे मारो यार तुम क्या कर रहे हो भाई, अपने लड़ने को बचाओगे नहीं क्या यार, कैसे कर रहे हो तुम बट तेरी माँ की। अबे इतने लोग आ गए क्या कर रहे हो, बहुत हुआ निकले यहाँ से, कल्टी मारो चौपड़ा मंजू साल है दिमाग खराब कर रहे थे। और अभी फटाक से हम बैठते हैं गाँव में और यार इनको भी लेके चलते हैं अपने घर और यार इनको पूरा प्लान बताते हैं। अरे चाचा जरा जल्दी चल ले यार, इतना समय नहीं है जितने आराम से तुम चल रहे हो, अब धोखा आ गया आके बैठेंगे, बैठ जाओ धन्यवाद आ जाते हैं। और अभी फटाक से इनको हम अपने घर लेके चलते हैं और यार इनको सारा प्लान समझाते हैं क्योंकि यार अभी अभी हमें 2 फायर ब्रिगेड के ट्रक भी चुराने हैं
चुरानी पड़ेंगे ना भाई, सिंपल सी बात है, चुराना है। और यार 5 यूनिफॉर्म भी उनकी चाहिए, क्योंकि यार उसके बिना तो यार हमारा प्लान कुछ है ही नहीं, है ना। तो यार अभी फटाक से हम इनको घर ले चलते हैं। प्लान बताता हूँ भाई साहब, हम गलत लेन पे आ चुके हैं, उल्टी गाड़ी चला रहे हैं। कोई नहीं यार, जीडीए वाई फाई कोई रियल लाइफ पे नहीं, हम तो रियल लाइफ पे भी अगर चला लेते हम ना भिड़े। ओ भाई, अरे नहीं नहीं, आराम से आराम से आराम से आराम से, कुछ नहीं, चीटी काटी कुछ नहीं हुआ, चीटी काटी। तो यार अभी फिलहाल हम अपने घर तो आ चुके हैं, और भैया हमने बहुत तेजी में गाड़ी लाके ठोक दी थी उसमें। तो यार अभी ऐसा नहीं कि हम फटाक से ना अपने घर के अंदर पहुंच लेते हैं, गाड़ी हम यार बाहर ही खड़ी कर देते हैं भाई, जिसकी गाड़ी वो आके ले जाएगा, अब उसको पता तो नहीं होगा, पर यार जो भी आके ले जाना भाई। तो यार अभी फटाक से यार इनको अंदर लेके चलते हैं। यार सबसे पहले हम ड्राइवर को बनाते हैं कॉफी, एक बढ़िया सी हार्ड कॉफी, ताकि यार इसका नशा उतरे, और उसके बाद यार इनको प्लान समझाते हैं। यार अभी फटाक से हम किचन पे जाते हैं और यार इसको कॉफी बना के कॉफी देते हैं। फिलहाल तो हमने इसको कॉफी पकड़ा थी और इसका थोड़ा बहुत नशा उतर चुका था। अब इनको फटाफट यार पूरी प्लान बताते हैं और यार उसके बाद इनको लेके इनका काम बांटते हैं। तो यार अभी क्या है कि मैं सोच रहा हूँ कि जो फ्रैंकलिन है, क्योंकि यार अपना थोड़ा ना बंदा अलग मामला पानी चल रहा है, क्योंकि यार देखो अपन ने कहीं चोरी वोरी करी ना, तो यार FIB वाले थोड़ा अपने ऊपर आ सकते हैं। तो यार अभी ये चोरी जो ट्रक चोरी का काम रहेगा वो यार अभी हम फ्रैंकलिन को दे देंगे, ताकि यार फ्रैंकलिन जाओ यार वो चोरी करके लिया है ना। और अभी फिलहाल ट्रेवर भैया जो है उनको भी हम फ्रैंकलिन भैया के साथ ही भेजेंगे, ताकि वो जाएं और उनके थोड़े उनके काम आए, है ना। क्योंकि यार अभी नशेड़ी है, उसको तो हम कुछ बोल नहीं सकते, इसलिए यार हमने पूरा प्लान यार अभी फ्रैंकलिन को बता दिया है कि क्या कैसे करना है। और यार फ्रैंकलिन ने भी कह दिया कि ठीक है। तो यार अभी फ्रैंकलिन को हम फटाक से भेजते हैं और यार वो उसको उसका काम करने देते हैं जो हमने उसको बोल दिया। तो यार अभी फ्रैंकलिन को थोड़ा और भी कुछ समझा देते हैं और यार उसके बाद हम उसको यहाँ से भेज देते हैं। यार अभी हमने इसको भी बात कर ली और ये चल लिया हमारे साथ। और फिलहाल अच्छी बात यह है कि यार इसका मैं बुढ़ाऊ का यार अपना उतर चुका है। यार अभी फटाक से हम बैठते हैं माइकल की कार हम लेके जा रहे हैं, क्योंकि यार माइकल ने हमको बोल दिया है कि हम उसकी कार ले जाएं। यार फिलहाल यार हमें चलना सबसे पास वाले, यार देखो माइकल ने हमको यार एक एड्रेस बताया है, वो एड्रेस है डेविस फायर ब्रिगेड का। तो यार फटाक से ओके सॉरी ब्रो, यार अभी ऐसा नहीं कि फटाक से हम चल रहे हैं। अरे भाई आराम से, यार भी हम फटाक से चलते हैं यार वो स्टेशन पे, और यार वहां से हम दो फायर ट्रक और यार कुछ यूनिफॉर्म चुरा के लाते हैं। यार माइकल ने अभी फिलहाल हमें एक मैसेज किया जिसमें यार उसने हमें GPS की लोकेशन भेज दिया उस फायर स्टेशन पर। भाई पागल है क्या, कैसी गाड़ी चला मेरे भाई, बहुत तेज गाड़ी चला रही है अभी। भाई मेरी गाड़ी होती ना तो क्या बात है। यार अभी फिलहाल ऐसा है कि मैं यहाँ से गलती मार के निकल पा रहा हूँ, यार इन लोग को दिखता भी नहीं है कैसे अंधेरे लोग हैं। यार अभी बताते हैं यार पहुंचे फायर स्टेशन, यार हमें ट्रक चुराना है। देखो यार सिंपल सी बात है कि ट्रक चुराना कोई बच्चों का खेल नहीं है, क्यों, क्योंकि यार वहां पे भी यार बंदे तो होंगे ही होंगे, बट यार हमें किसी भी तरह करके ना यार उनसे कुछ चुराना ही पड़ेगा ट्रक, क्योंकि यार बिना ट्रक के ना मामला पाई बैठेगा नहीं। तो यार अभी फिलहाल हमें दो ट्रक चुराने, हम पहुंच लेते हैं अपने फायर यार उस पर चलिए एक या यस अलग अलग है डैमेज। तो यार अभी फटाक से पहुंचते हैं, और यार अभी फटाक से पहुंचते हैं और यार वहां पे पहुंचते हैं और यार वहां यार अभी फिलहाल अभी हम माइकल भैया की जो लोकेशन बताई थी उस लोकेशन पे आ तो चुके हैं, और यार हमें फायर ब्रिगेड का स्टेशन दिख चुका है। और अबे यार हम भी कहा बोले, फायर ब्रिगेड का स्टेशन दिख चुका है। और भाई सब तुम जैसे देख रहे हो यहाँ पे बहुत सारे बंदे खड़े हैं, थोड़े बहुत नहीं बहुत सारे बंदे खड़े हैं। अगर हमने किसी की भी फायर ब्रिगेड चुराई तो मेरे को तो नहीं लगता कि लोग मेरे को ऐसे चुराने देंगे। और भाई साहब एक लगा मोबाइल में, तो यार अभी ऐसा है कि हमें यहाँ नहीं खड़ा होना चाहिए, अभी यार हमें थोड़ा आगे चले जाना चाहिए। और अभी क्या हो रहा है, अरे अरे चाचा हो, तो अभी ऐसा है कि हम थोड़ा कार को यार साइड में लगाते हैं और यार फटाक से ना चल के जरा देखते हैं मामला पानी की आखिर यह है क्या। तो यार अभी गाड़ी हम कहाँ पे, गाड़ी हम यहीं पे लगा देते हैं। ड्राइवर वाले भैया आप यार हमारे साथ आएंगे, अच्छा अच्छा धन्यवाद, तू साले पीछे ही बैठ जाएगा, साला जिसको देखो वो हमें ड्राइवर समझ के रखा है। तो यार अभी ऐसा है कि ड्राइवर मामू का जो चेहरा है उसको देख के हमें लग नहीं रहा कि हम उसको अपने साथ लेके जाएं। तो यार अभी फिलहाल ऐसा करते हैं कि हम ड्राइवर को बोलते हैं कि वो गाड़ी में ही हमारा वेट करे, और यार हम जरा वहाँ पहले लोकेशन देख के आते हैं। और क्योंकि देखो सिंपल सी बात है यार, रात का वक्त हो रहा है ना, तो ज्यादा मामला पानी ना जो है वो अपना सही है, क्योंकि यार रात के वक्त में हम उनकी गाड़ियां जो है वो चुरा सकते हैं। यार ड्राइवर वाले मामू को हम यही बोलते हैं कि जब हमें इसकी जरूरत पड़ेगी तब हम इसको लेके आएंगे। तो यार अभी ये फिलहाल हमारा यही वेट करे और तब तक हम जाके वहाँ का सीन देख के आते हैं। तो यार अभी ऐसा नहीं कि फायर ब्रिगेड वाला मामला पानी जो है ना वो यार अभी हमको ना छुप छुपा के देखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यार हम ऐसे एकदम से डायरेक्ट जाके नहीं देख सकते। तो यार अभी ऐसा है कि घर भर से हम एकदम जरते कूदते फांदते हैं, क्योंकि यार देखो हम चढ़ सकते हैं मगर वो बुढ़ाऊ नहीं चढ़ सकता, ना ही वो माइकल दादा हमारे। तो यार अभी ऐसा नहीं कि अभी फिलहाल हम घर घर होते हुए फिलहाल फायर ब्रिगेड के स्टेशन तो आ चुके हैं, और यार यहाँ पे अगर कोई सीढ़ी फीढ़ी अगर होती ना छत पे जाने के लिए तो यार ज्यादा सही रहता, क्योंकि यार हम ऐसे जाना नहीं चाहते बिल्कुल भी, है ना, हम ऐसी जगह बिल्कुल। ओ भाई साहब एक सेकंड, पीछे ना एक ट्रक खड़ा है और आई थिंक उस ट्रक के पास कोई नहीं है, मेरे हिसाब से आई थिंक उस ट्रक के पास कोई नहीं है भाई, एक सेकंड में जरा छुप के देखूं। हाँ, बहुत सही भाई, बहुत सही मामला पानी है, फिलहाल इस ट्रक के पीछे आई थिंक कोई नहीं है, और देख लेते हैं भाई
आसपास कोई है तो नहीं, और भाई नहीं है सच में कोई नहीं है, ये ट्रक एकदम खुला पड़ा है, एकदम खुले में। भाई साहब ये तो मजे ही आ गए, मतलब एक ट्रक की हमारी तो जो देखा जाए तो हो गई, क्योंकि यार देखो हम इस ट्रक को यहीं से बैठे बैठे यहाँ से हम लेके चले जाएंगे यहीं से पीछे है ना, और यार किसी को पता भी नहीं चलेगा, और हमें यार एक ट्रक चाहिए वो हमें यार आगे से लेके आना पड़ेगा। तो यार ऐसा लेके हम जरा इनकी छत पे चढ़ के देखते हैं कि ताकि वहां से हमें कुछ मामला पानी अगर समझ पे आ सके, क्योंकि यार हमें थोड़ा अंदर का मामला पानी छाप के देखना है कि आखिर अंदर कितने लोग हैं, क्योंकि यार हम नहीं जानना चाहते कि यार हम अंदर जाएं और एकदम से लोग सब बेल पून दें हमें, है ना, इसलिए यार हम थोड़ा बचबचा के जा रहे हैं। अरे यार अभी फटाक हम नीचे अगर हम देख पाते तो यार ज्यादा अच्छा होता, बट चलो यार नीचे नहीं भी देख पा रहे तो कोई बात नहीं, अभी फिलहाल हम यहाँ से देखते हैं। तो भाई साहब दो बंदे खड़े हैं जिनको एकदम कोई, और दो नहीं है भाई चार बंदे खड़े हैं यहाँ पे, तुम देखो अच्छे से यहाँ पे चार बंदे खड़े, एक ये खड़ा है, दो वो खड़े हैं, और यार एक ये खड़ा है। अब देखो यार ये बंदा लगा फोन में, ये लगे सिगरेट पीने में, और वो जो लगे हैं बात करने में। अब यार किसी तरह अगर हम इस वाली गाड़ी को उठा के ले जाए तो यार ये सिगरेट जो पी रहा उसको पता चल जाएगा, तो यार क्या करे जाए। तो यार ऐसा मैं सोच रहा हूँ कि देखो यार मैं इन पर अगर हमला किया तो यार इतनी तुम लिख के ले लो कि पुलिस ना हमारे पीछे जरूर पड़ेगी आराम से। हाँ धन्यवाद, अरे एकदम से मैं कूद गया है ना, हमारे पीछे पुलिस तो जरूर लगेगी। तो यार भाई एक ट्रक तो हमें पीछे मिल गया, और यार एक ट्रक और हमें चाहिए। तो यार वो एक ट्रक ना हमें ऐसा है कि हमें लड़ना तो पड़ेगा ही, और यार हम मारना नहीं चाहते, तो यार ऐसा करते हैं कि हमारे पास ना स्टन गन है, तो यार स्टन गन से हम इनको स्टन कर देते हैं, और यार इनके ट्रक लेके ना यहाँ से कल्टी मारते हैं। तो यार भैया ऐसा नहीं कर, हम फिलहाल पहले ट्रवर भाले भैया के वापस पास चल रहे और उनको जरा प्लान व्लान बता दें, वरना वो तो महान आदमी है ना, कुछ का कुछ करती है तो जिंदगी खराब हो जाएगी हमारी। तो यार पहले हम इनको जरा प्लान बताते हैं कि क्या कैसे करना है, और उसके बाद यार हम यहाँ से कल्टी मारते हैं। यार अभी हमने फिलहाल ट्रेवर को यार अपनी जो बता दिया कि वो पीछे वाला ट्रक जाके तब तक चोरी वोरी करे, और यार हम आगे जाके संभालते हैं जरा मामला पानी। तो यार अभी हमने फिलहाल इसको बोल तो दिया है कि वो जाके यार चोरी वोरी करे, और भाई साहब तू जा रहा है ना, क्या कर रहा भाई, जा ना चढ़ के क्या कर रहा, पता नहीं क्या है नशे में क्या है। तो यार अभी हम फिलहाल अपना काम तो करते हैं, और आई थिंक वहां तक पहुंच ही जाएगा। तो यार अभी हमें ना बहुत ही चलाकी से इनको लुड़काना पड़ेगा। तो यार अभी सबसे पहले हमको चलना है इनकी फिर से छत पे, ताकि यार उनको छत से ही निशाना बना सकते हैं, और यार वैसे छत से निशाना ना लग नहीं पाएगा। यार हम जरा एक मिनट हम जरा ट्राई करते हैं दूर से इनको निपटाने की, जरा पास में जाके, और भाई साहब अंदर भी बहुत सारे लोग खड़े हैं, और इनमें से अगर किसी ने हमको देख लिया तो भाई साहब जिंदगी हमारी खराब कर देंगे। तो यार अभी सबसे पहले ऐसा है कि हम यार इसको निपटाते हैं, सबसे पहले ये वाला जो भाई साहब खड़ा ना इसको निपटाते हैं, यहाँ पे जो सिगरेट पी रहा है। तो यार भाई एक मिनट आराम से। तो यार अभी ऐसा नहीं कि हम, ओ भाई क्या चाचा कुछ नहीं हो रहा यहाँ पे, कुछ नहीं हो रहा। तो यार अभी ऐसा नहीं कि हम इसको यहाँ से लुड़काते हैं। अरे नहीं, ओ शेट, ये लोग भाग दिए। ओ नहीं, ये नहीं होना था, मेरे को बस यहाँ से ट्रक लेना है, निकल। अरे नहीं ट्रक नहीं, एक सेकंड, उतर, पोस्टन भी तो लेनी है, अरे मैं भूल कैसे गया। और भाई साहब ओके लोग खड़े, अब देखो यार ऐसा कि मामला पानी ना खराब हो ही चुका है, यार इनको मार ही देते हैं भाई। नहीं, अरे यार नहीं, ओ भाई ये क्या है, ये अपना काम कर रहा है सर, अच्छी बात है यार इसने हमें देखा नहीं। और यार भाई नहीं, गुंडे आ गए, बहुत सारे गुंडे आ गए। नहीं, ये गलत है। तो यार फटाक से हमें इनकी ना कॉस्ट्यूम ऐसे थे, बैग पड़ा इनमें ही कॉस्ट्यूम वगैरह होगी, तो यार ये लेते हैं और यहाँ से कल्टी मारते हैं। और यार भाई साहब क्या बताएं, उन लोग से तो कुछ नहीं बट यार इन लोग जरूर आ गए, और भाई साहब मैं इनको ना मार दूंगा, उड़ा दूंगा, सारा दिमाग खराब है, अच्छा खासा मानना पड़ेगा। और यार हम ये नहीं सोचे थे कि ऐसा कुछ होगा, और यार इनको मारते हैं और निकलते हैं यहाँ से कल्टी मार के। फिलहाल अभी हमने इनको सबको मार दिया, और कोई बचा क्या, और कोई धनुषारी आई थिंक बचा। तो यार अभी फटाक से यार कॉस्ट्यूम ले लिया, और यार यहाँ से ना ट्रक उठाते हैं, और यार कल्टी मारते हैं वाला ट्रक, भाई ये वाला ट्रक लेके जाएंगे, क्योंकि यार उस ट्रक की ना हालत बहुत ज्यादा ही खराब हो गई है। तो यार फटाक से इस ट्रक पे बैठते हैं, यार यहाँ से निकलता है। भाई साहब हमें लग रहा है कि गलती तो हमारे पीछे पुलिस ने पड़ता है, क्योंकि यार यहाँ पे बहुत ज्यादा गोलीबारी हो चुकी है। अरे यार भाई साहब ये मामला पानी थोड़ा गड़बड़ हो गया, क्योंकि यार हमारे पीछे पुलिस लग चुकी है। हाँ यार भाई सिंपल सी बात है यार, हमने इतना खतरनाक मामला पानी किया, अरे यार वो सब तो ठीक है यार, हमारा चाचा कहाँ गया यार, अरे यार ये मरवा देगा भाई, ड्राइवर तू कहाँ है यार, ये मरवा देगा यार, इसको लेके आना पड़ेगा भाई, पर नशे में यार। तो क्यों यार सिंपल सी बात है माइकल, यार हमको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देके रखी है कि यार हम ना लेके, और यार हम सही बता रहे हैं, अगर गुंडे नहीं आते ना, लो भाई जी पुलिस हमारे पीछे आ गई। भाई तू है कहाँ, हेलो यार तू भाई मरवाएगा यार, भाई ये मरवाएगा, मैं 100% कह रहा हूँ ये मरवा देगा मैं, भाई तू है कहाँ यार। यार मुझे लग रहा है ना कि मरवा के रहेगा यार, पहले तो हम यार ऐसा करते हैं कि पुलिस अपना पीछा छुड़ा रहे हैं, और यार उसके बाद ना हम ट्रेवर को ढूंढते हैं, क्योंकि यार ट्रेवर बहुत बड़ा वाला इंसान है यार, वो ना कुछ कबाड़ करेगा, मैं 100% यकीन है। हाँ हमें लग रहा भाई यार कुछ ना कबाड़ करेगा ही करेगा। तो यार ऐसा ना कि यार ट्रेवर का हम ना जरा, अरे नहीं वो भाई साहब बहुत 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 मची गाड़ी। यार अभी ऐसा करते हैं कि हम यहाँ वेट करते हैं यार पुलिस के जाने का, और यार उसके बाद हम यहाँ से निकलते हैं।
खैर हमने भी हमारी ड्राइवर से बात हुई और भाई तो ड्राइवर कह रही कि वो तो निकल गया। हम भाई एक लुल्ला इंसान है जो पीछे रहता है यार, अभी फटाक से हम भी पहुंच जाते हैं और हमने ड्रेस ले लिया और यार दो फायर ब्रिगेड के ये भी ले लिए हैं और यार अभी फटाक से पहुंच जाते हैं। अच्छी बात यार ये है कि उसके पीछे पुलिस नहीं लगी, पुलिस हमारे पीछे लग गई। क्यों? क्योंकि यार हमारी फाइट होने लग गई थी जिस वजह से यार पुलिस हमारे पीछे लग गई। बट अच्छी बात यह है कि यार हम एंड टाइम पे छुप गए और यार पुलिस हम बच गए थे। अभी फटाक से हम ऐसा करते हैं कि घर पहुंचते हैं, घर नहीं पहुंचते जहाँ की उसने माइकल ने लोकेशन दी थी हमें, वहां पे यार उसके ये ट्रक ले जाते हैं जहाँ की यार माइकल ने लोकेशन दी थी वहां पे यार उसका ये ट्रक ले जाते हैं और यार उसको ना ये सारा मामला पानी खत्म करते हैं। क्योंकि यार देखो आज हम ये सब मामला पानी सारा समेट लेंगे, उसके बाद यार फिर हम दूसरा एपिसोड में इसके दूसरे दिन पे हम चोरी करने जाएंगे, है ना। तो यार हमें इसलिए फटाक से हम तो पहुंच जाओ भाई, तो ड्राइवर पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे मर रहा है इधर उधर, बट हो गया मर रहा है तो मरने दो। अभी तो फिलहाल हम पहुंचते हैं और भाई मेरी मोरो की अभी ऐसा नहीं कि हमारा जो ड्राइवर था वो अलग यार अलग ही नशे पे गाड़ी चला रहा है, हमको नहीं पता। तो यार अभी ऐसा नहीं कि हम माइकल और माइकल ने कह दिया था कि ये ट्रक वगैरह जो है हम उसके घर पे ही रख दें छुपा के, क्योंकि यार उसका घर एक ऐसी चीज है यार सिंपल सी बात है यार कोई कहीं पे भी आ सकता है बट यार किसी के घर पे नहीं आ सकता। क्योंकि यार सिंपल सी बात है किसी को नहीं पता यार कि गाड़ी चोरी हुई है कि नहीं हुई है, आई मीन ट्रक चोरी हुआ है कि नहीं हुआ है। तो यार ये ट्रक ना इसके सामने नहीं रखेंगे हम, ये ट्रक पीछे ले जाके रख देंगे ताकि यार किसी की नजरों पर ना पड़े। यार भाई साहब ये ड्राइवर तो यार एकदम नशेड़ी में है, क्या ही बताएं नशे नशे में फूक के रखा है। तो यार ऐसा करते हैं कि हम फटाक से जाते हैं ना यार ड्राइवर का भी ट्रक लेके मैं आता हूँ। और यार अरे यार कैसे नहीं चढ़ा भाई, धन्यवाद। तो यार भाई ऐसा नहीं हमारे पास ये वो भी रखे हैं, बैग भी रखा है, कॉस्ट्यूम भी रखा है, कॉस्ट्यूम भी यार हमने ले आए थे वहां से। तो यार अभी फटाक से मैं पहुंचता हूँ अपने ड्राइवर दादा के पास और यार ड्राइवर दादा से ना यार हम ले लेते अपना सारा मामला पानी। भैया तू ना एक नंबर का यार मसेड़ी है भाई, ये मरवा देगा, मैं सही बता रहे हैं। मैं पहले ही बोल रहा था माइकल को कि ये मरवा देगा बट यार माइकल नहीं मान रहा। बट यार अभी ऐसा नहीं कि भाई माइकल ड्राइवर दादा आप हमें ट्रक दे दीजिए बस। यार अभी हमने ट्रेवर मामू को भी किसी तरह करके यार उसका भी ट्रक यहाँ पे ले आए हैं और यार ये ट्रक को छुपाने के लिए हम ऐसा करते हैं कि यार हम ना किसी की कार ला के यहाँ पे खड़ी कर देते हैं। भाई साहब तुम देख रहे हो कैसी गाड़ी चलाता है ये, मतलब भाई साहब क्या ही बोले यार, अभी भी इसका नशा उतरा नहीं इसको और कॉफी वॉफी देनी पड़ेगी। चाचा बैठे रहोगे कि निकलोगे भी उससे यार। तो यार अभी ऐसा नहीं कि फ्रैंकलिन फिलहाल अभी आई मीन माइकल फिलहाल अभी घर पे तो नहीं है यार, क्योंकि वो थोड़ा अपने काम से गया, मतलब कोई चोरी चकारी के चक्कर में वो तो गया है। क्योंकि यार वो बोल रहा था कि उसको एक बार फिर से जाकर उसका घर देखना है और पूरी सिक्योरिटी का मेजरमेंट लेना है कि आखिर उसके घर में क्या कैसी सिक्योरिटी है। तो यार अभी फिलहाल हमें एक कार चाहिए छुपाने के लिए ट्रक। तो यार अरे भैया आराम से यार ऐसी गाड़ी चला रहे चाचा, तेरा नहीं ऐसे करते हैं कि फटाक में इसकी ये वाली कार उठा लेते हैं ताकि यार हम छुपा सके। तो भाई साहब तो अपने आप कर देंगे, धन्यवाद। और भाई हम फटाक से यहाँ से बैठ के निकलते हैं और यार ये गाड़ी हम ना खड़ी कर देते हैं ट्रकों के सामने ताकि यार किसी की नजर ना पड़े। क्यों? क्योंकि यार किसी ना किसी की नजर पड़ जाएगी और हम नहीं चाहते कि किसी की नजर पड़े। तो यार ये है हम यहाँ पे खड़ी करते थे ताकि यार किसी को भी ना ये ट्रक वगैरह दिखे नहीं। यार अभी हमने फिलहाल ये बैग तो यहाँ पे इसका पटाक दिया सोफे में और यार हम यहाँ से हम निकलते हैं। निकलने से पहले यार हमारे जो ड्राइवर मामू उनको भी पकड़ लेते हैं। और भाई साहब मैं सही बताऊँ ना यार माइकल की जिंदगी बिल्कुल सही नहीं चल रही, मतलब यार क्या ही बताएं, बीवी छोड़ के चली गई टेनिस खेलने, लड़के और लड़कियां एकदम चुमटी टाइप के निकले है ना, और फिर क्या ही बोले। मतलब यार माइकल भाई की जिंदगी एकदम खतरनाक चल रही है, एकदम गंदी चल रही थी। यार भी ऐसा करते हैं कि फटाक से यार हमारे हमने पीछे यार बाइक से आए थे यार, हम ना ऐसा करते हैं कि हमारे यहाँ पे बाइक खड़ी होगी आई थिंक पीछे कहीं पे, तो यार वहां से गाड़ी लेकर निकलते हैं। और यार मेरे को ना थोड़ा डर लग रहा है क्यों, क्योंकि यार माइकल भाई ने यार हमारा जो ट्रक है वो यहीं पे खड़ा करवा दिया। और यार भाई साहब किसी का भी ना नजर जा सकती है, बिल्डिंग वगैरह से भी यार नजर जा सकती है, पता नहीं यार उनका क्या दिमाग चल रहा है। तो यार अभी ऐसा नहीं चाहता यार अभी भी नशे में क्या भाई बैठा है ट्रक में, तो बैठा भाई निकल ले अब क्या आलू पड़ा लेके उतर ली। तो यार अभी यार ड्राइवर को पकड़ते हैं यहाँ से और यार हम निकलते हैं घर। तो यार अभी ऐसा नहीं कि यार माइकल लग रहा है हमको भूल गया था कि भाई अगर बगल वाले घर में एक गाड़ी को खड़ी करके गए हैं बाइक, तो यार हम उस बाइक को लेकर हम यहाँ से निकल रहे हैं। और भाई साहब एक बार हम ना चेक कर ले जरा आगे चल के कि भाई साहब यहाँ से अगर कोई निकले एक बनता तो यार उसको ट्रक वगैरह तो नहीं दिखेगा ना, आई थिंक मेरे हिसाब से उसको तो ट्रक वगैरह नहीं दिखेगा। ठीक है कोई बात नहीं, तो यार बढ़िया चीज है यार, ये चीज मैं जरूर माइकल दादा को बोलूंगा कि अगर उन्होंने फायर ट्रक अपने घर के सामने को खड़ा कर रखा। और भाई साहब इसने फिर से नशा फूंक लिया, हाँ ये ट्रक में बैठ के नशा फूंक लिया, मतलब यार क्या ही बोलूं यार इसको, मतलब क्या ही बोल सकते हैं यार। मैं माइकल को अभी भी बोल रहा हूँ कि भाई मत लो इसको मत लो इसको मत लो इसको, बट यार क्या ही बोलूं। और भाई साहब बाइक तो बहुत कर रही है यार, खतरनाक टाइप की है बाइक तो। और यार अभी फटाक से इसको लेकर बैठते चाचा बैठेंगे, देखो पहले हेलमेट लगा के चल रहे हैं, मतलब नहीं चल रहा है उसमें भी हेलमेट लगा के चल रहे थे। यार अभी ऐसा नहीं कि चाचा को पहले हम इनकी जगह पे छोड़ देते हैं, ये कह रहे हैं कि इन्हें फ्लिक फिर से क्लब छोड़ दें, तो भैया घंटा में तुम्हें क्लब नहीं छोड़ रहा है, हम तुम्हें एक जगह छोड़ देंगे वहां से तुम चले जाना। तो यार अभी ऐसा नहीं कि हम इन चाचा को इन एक जगह छोड़ देते हैं और यार फिर वहां से हम कल्टी मार के अपने घर निकलते हैं, क्योंकि यार इसके जैसा नशा यार हमने सच में किसी को नहीं देखा। मतलब यार गजब का नशा फूकता है यार, गजब का नशा फूका रहता है, मतलब यार चोरी हम करवा रहे हैं ट्रक की और यार नशा फूक के बैठे चाचा, मतलब अलग ही प्रकार की नौटंकी इनकी। तो यार अभी हम ना इनको फिलहाल यहाँ पे एमुनेशन पे छोड़ दे रहे हैं, एमुनेशन में है ना, क्योंकि यार एमुनेशन में छोड़ देते हैं बाकी यार ये जा रहे हैं और इसका काम जा रहे हैं। भाई साहब मत चिंता कर तेरे को ना मार रहा मैं, तो भैया अभी चाचा आप यहाँ से जाइए और अपना काम संभालिए और हमें भी जाने दीजिए। रुको जरा सबर करो,
अबे अबे ओ चाचा, अरे ओ चाचा, अरे बहन का पापा बाइक लेके भाग गया। इसकी माँ की ना मैं क्या बताऊँ, इसको मैं किसी दिन बहुत बुरा मारूंगा, सही बता रहा हूँ। साले को मैंने उतर के बोला कि भैया तू चले जा यहाँ से, तो साला हमारी बाइक लेके भाग लिया यार। मतलब क्या ही बोलूँ यार, कैसा कैसा कुंटिया टाइप का है यार। इससे काम करवा लग माइकल, मैं बोल रहा हूँ भाई मत करा, ये मवा देगा बट नहीं मान रहा यार। मेरे को यार किसी की गाड़ी फिर से चोरी करनी पड़ेगी यार, मैं आज कितनी गाड़ियां चोरी किया हूँ यार। भाई दे यार तू अपनी गाड़ी दे दे, मैं खराब। अरे अरे आराम से यार, अपनी गाड़ी देना जा रहा चाचा। धन्यवाद, आप बहुत अच्छे हैं, आप भी आई मैंने आपके बाल बच्चे खुश रहे। और यार हम हमको पलटी, हमको जान दे यार, घर दिमाग खराब कर दिया यार। क्या यार दिमाग है क्या, क्या क्या दिमाग खराब कर रहा है, जान दो यार। अभी यहाँ पे अभी फटाक से हम घर निकलते हैं और यार मामला पानी देखते हैं कि क्या कैसा दिमाग खराब कर दिया चपकंजू ने। सब हम उसको बोले उतर के कि भाई तुम यहाँ से निकल जाओ, तो यार मतलब हमको ही हमारी गाड़ी लेके निकल दिया भाई। मतलब क्या बोले, सब एक से बड़ा करेंगे। घर भी ऐसा करते कि फटाक से हम घर चलते हैं। और यार जैसे कि हमको यार माइकल दादा ने बोला था यार, हमने वैसा कर दिया है, हमें उनकी जो गाड़ी वगैरह थी लानी थी वो ला दिया और हम फिर से अपना रास्ता खो गए। अरे यार कहाँ बताएं यार, जैसन की हमको यार बोला था माइकल दादा ने यार, हमने वैसा कर दिया, हमने यार दो तो फायर ब्रिगेड और यार फायर कॉस्ट्यूम भी लाके रख दिए। अब यार दो बंदे चाहिए, उस दो बंदे के लिए यार वो लेने माइकल दादा खुद गए। माइकल दादा ने बोला कि वो खुद दो बंदे लेके आएंगे, इसलिए यार वो गए वो दो बंदे लेने। यार ये भी ठीक है। तो यार अभी हम टोटल पांच लोग हैं, मैं माइकल दादा ड्राइवर और दो लोग और नमूने, ठीक है। तो यार उन सब नमूनों को इकट्ठा करके यार यार हम गलत जगह आ जाते बार बार। तो यार अभी ऐसा नहीं है कि भाई साहब हमारा जो पांच लोगों का मामला पानी है, तो यार उनमें से एक जो रहेगा वो यार जाके पहली बात तो हमें आग लगानी है। हाँ यार सबसे पहले हमारा काम यही है कि हमें जाके आग लगानी है। जैसे ही आग लगाएंगे तो यार वो इतना तो 100% है कि यार वो फायर ब्रिगेड वालों को जरूर बुलाएगा। और जब वो फायर ब्रिगेड वालों को बुलाएगा तब यार हम क्या करेंगे वो तो फिर आपको पता ही है। जब यार फायर ब्रिगेड वाले आएंगे तो उससे पहले यार हम उनको रोक के उनको मार मुड़ के उनको साइड कर देंगे और यार उनकी जगह हम जाएंगे। और उसके बाद फिर आपको आगे का पता ही है कि यार तुम्हारा लौंडे क्या करेंगे। तो यार अभी ऐसे नहीं कि यार फिलहाल अभी हम अपने बहुत खतरनाक तरीके से हम गोल गोल घूमते घूमते यार अपने घर पहुंच चुके हैं। तो सबसे पहले भाई साहब गाड़ी हमारे देखो भाई, हमारे पास गाड़ियों का कलेक्शन ना बहुत खतरनाक होगा। और भाई साहब ये जिसकी गाड़ी है ना वो आके ले जाना यार, गलती से हम तुम्हारी गाड़ी लेके आ गए है ना। यार अभी ऐसा नहीं कि हम फटाक से चलते हैं और यार सोते हैं, नींद मारते हैं, क्योंकि यार जिंदगी हराम हुई पड़ी है कल रात से है ना। और यार उसके बाद यार फिर हम देखते हैं कि आगे का प्लान क्या है, क्योंकि यार माइकल दादा ने हमको बोला है कि हम वेट करें और यार आगे जो भी प्लान होगा वो हमें कॉल करके बताएंगे। यार अभी फटाक से हम सो लेते हैं, एक नींद मार लिया जा भैया। तो भाई साहब एक सुबह हो चुकी है और यार अभी ऐसा नहीं कि यार अभी फिलहाल माइकल दादा ने हमको वेट करने का बोला है। उन्होंने बोला है कि यार ये सब काम करने के बाद जब तक वो दो बंदों को नहीं ढूंढ लेते तब तक यार उसके आगे वो कुछ भी नहीं बताएंगे। तो यार अभी हमें उनके कॉल का वेट करना पड़ेगा। और यार भाई साहब आज के लिए फिलहाल हम यहीं पे अपना एपिसोड जो है यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको यार ये वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक जरूर करना, चैनल पे नए हो तो यार सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट यार जरूर करना, शेयर यार जरूर करना, सब कुछ तो कर दो भैया। हम लोग यार कुछ भी ना कर रहे हैं, कुछ तो करो चाचा, कैसी बात कर रहे हो यार, कुछ भी करो यार करो तो कम से कम है ना। तो यार अभी ऐसा नहीं कि यार भाई साहब आप तुम्हारा लंडन ना अगले एपिसोड में जो खतरनाक काम करने वाला है ना यार वो तुमने सोचा नहीं होगा। तो यार अब अगले खतरनाक एपिसोड के लिए वेट करो है ना। अब जब तक यार हमारे माइकल दादा का कॉल नहीं आ जाता तब तक यार आगे हम कुछ कर नहीं सकते। तो यार जस्ट वेट एंड वॉच, तब तक के लिए यार ऐसा नहीं कि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, अपने अपने लंडन को बोलो कि शेयर करें। मिलते हैं अपन अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, सायो ना रा।